हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिक अलाय। आज के इस वीडियो में हम लोग ICSE क्लास 10 ज्योग्राफी में जो सॉइल चैप्टर है उसका जो सेकंड पोर्शन है, इसमें सॉइल और इरोजन एंड कंजर्वेशन, ओके, इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली पहले पार्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज़, मेजर क्रॉप्स, इन सबको डिस्कस किया था। सो मैंने आपको जैसे बताया था कि सॉइल वाले चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो टाइप में। पहला दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल है, टाइप्स ऑफ सॉइल है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, इन सबसे रिलेटेड। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन से पूछा जाता है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन से। गॉट इट? सो हम लोग इसमें देखेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए इंतजार कर रहा है। सो सॉइल इरोजन बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जानते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? व्हाट इज सॉइल इरोजन एक्चुअली? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल कवर इज नोन एज सॉइल इरोजन। सिंपल डेफिनेशन सॉइल इरोजन क्या होती है कि जैसे ये सॉइल है हमारी, ये सॉइल का एक पार्ट है, और इस सॉइल का जो टॉप लेयर है, टॉप फर्टाइल लेयर, जब रिमूव हो जाती है, ब्लो हो जाती है, हट जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, बेसिकली तीन एजेंट्स जो हमको पढ़ने हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, दैट इज फ्लोटिंग वाटर या फ्लोइंग वाटर, सेकेंड इज रेन वाटर, एंड थर्ड इज विंड वाटर। ठीक, सॉइल इरोजन के लिए और भी एजेंट्स होते हैं, ऐसे ग्लेशियर्स, जैसे वेव्स। ठीक है, सो इनको हमें नहीं पढ़ना है अभी, हम लोगों को सिर्फ अपने कोर्स में क्या है, वाटर एंड विंड। ठीक, एंड ह्यूमन ऑल्सो, मैन, मैन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल कंडीशनिंग, इधर थ्रू एग्रीकल्चर और थ्रू पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल इरोजन में एग्रीकल्चर में पुअर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं ह्यूमंस, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, और साथ ही साथ पॉल्यूशन लाइक डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट इन वाटर बॉडीज एज वेल एज अंडरग्राउंड। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी के बिसाइड्स सॉइल आर डिग्रेडेड बाई नेचर ड्यूरिंग ड्रॉट और फ्लड्स, ये भी बहुत कॉमन है, फ्लड्स, जब बारिश बहुत तेज होती है उसकी वजह से सॉइल इरोजन देखा जाता है, सारी मिट्टी बह जाती है। सो कुल मिला के हम लोगों ने देखा सॉइल इरोजन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्लोइंग वाटर, विंड, और रिमूवल ऑफ टॉप लेयर इज नोन एज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन बाय वाटर को डिस्कस करते हैं, पानी की वजह से जब सॉइल इरोजन होता है। सबसे पहला टाइप है रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन। देखिए ये प्रोसेस में होता है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसके बाद नेक्स्ट वाला, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, सो पहला प्रोसेस है हमारा रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन। ठीक है, जब ऐसे सॉइल पे हमारे मिट्टी है, दिस इज हमारे अर्थ पे मिट्टी है, और जब रेन होगी, ठीक है, और रेन की ड्रॉप जब इस सॉइल पे पड़ेंगी, उस ड्रॉपलेट्स के पड़ने की वजह से जो इरोजन होता है, दैट इज नोन एज रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स ऑन सॉइल सरफेस लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रम स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेन ड्रॉप और सॉइल इरोजन। सो पहले मान लीजिए अगर ये फ्लैट सरफेस था और यहाँ पर बारिश हो गई बहुत तेज, तो ये ऐसा जैसे रोड्स पे देखते हैं आप लोग कि डामर वाली रोड जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बारिश होती है तो सारे वहाँ पर नीचे गड्ढे छोटे छोटे पड़ जाते हैं, और जो वहाँ पर ग्रेवल होता है या जो छोटे छोटे वो होते हैं मोरंग होती है, वो निकल आती है। वाई? बिकॉज स्प्लैश जो यहाँ पर बारिश हो रही है, उस बूंदों की वजह से, उनके एनर्जी की वजह से ये अपनी जगह से हटे जा रहे हैं। सो दिस इज नोन एज स्प्लैश इरोजन। नेक्स्ट इज शीट इरोजन। ठीक, अब क्या होता है जब पानी बह रहा है, पानी ये तो हो रहा है पानी गिरने की वजह से, अब जब पानी बरसेगा, रेनफॉल होगी, और अब स्लोप है, अगर मान लीजिए स्लोप है, जैसे यहाँ पर ये ऐसा लैंड है, ठीक है, तो जब बारिश होगी तो उसकी वजह से ये जितना पानी यहाँ पर होगा वो बहेगा नीचे की तरफ, स्लोप, जिधर स्लोप होगी। ठीक है, अब जब इधर ये बहेगा तो अपने साथ जो सॉइल होगी उसको भी साथ लेके जाएगा, और ऊपर की थिन लेयर वहाँ से हट जाएगी, तो इसको हम लोग कहते हैं शीट इरोजन। मतलब एक शीट के फॉर्म में जब वहाँ से मिट्टी हट रही है, ठीक, और ये तब होता है जनरली जब यहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, नो वेजिटेशन, पेड़ लगे थे, घास लगी थी, पेड़ हटा दिए, घास काट दी गई, और बारिश हुई, सारी मिट्टी बह गई। ठीक है, सो थिन लेयर, रेन वाटर वॉशेज अवे द थिन लेयर ऑफ बेयर सॉइल। बेयर सॉइल मतलब जहाँ पर कोई प्लांटेशन नहीं है। गॉट इट? दैट इज नोन एज शीट इरोजन। फर्दर जब शीट इरोजन काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रखता है, काफ़ी दिनों तक बारिश हो रही है, ठीक, और काफ़ी दिनों तक
शीट इरोजन कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ठीक। सो द सिल्ट लेडन रन ऑफ फॉर्म्स मेनी फिंगर शेप रिल्स और ग्रूव्स ओवर लार्ज एरिया, दिस इज कॉल्ड रिल इरोजन। इसको मैं आपको एक फिगर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्लैश इरोजन देखा हम लोग ने, पानी की बूंद गिर रही है और ये स्प्लैश इरोजन हो रहा है। फिर जब थिन लेयर यहाँ से चली गई, व्हेन थिन लेयर ऑफ सॉइल गोज, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन, तो यहाँ पर शीट इरोजन देखने को मिल रहा है। और फर्दर जब शीट इरोजन काफ़ी दिनों तक प्रोसेस में है, तब छोटे छोटे ये रिल्स टाइप के बन जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज रिल इरोजन। और फिर रिल इरोजन जब काफ़ी दिनों तक कंटिन्यूसली काम करता है, देन यही जो रिल्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े गली में या बड़े बड़े मतलब एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग गली बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं गली इरोजन, ठीक है। यहाँ पर स्प्लैश इरोजन हुआ, फिर शीट इरोजन हुआ, फिर रिल, यहाँ पर रिल हुआ, ये जो छोटी छोटी गलियाँ बन रही हैं, और फिर जो बड़ी बड़ी गलियाँ बन गई, यही रिल्स मॉडिफाई होकर बड़ी बड़ी गली में बन गया, दैट इज नोन एज गली इरोजन, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन शीट इरोजन एंड गली इरोजन। गली शीट इरोजन और गली इरोजन के बीच का स्टेज है ये रिल इरोजन, ठीक। अब गली इरोजन क्या है, ड्यू टू हैवी डाउनपोर डीप गलीज आर मेड ऑन द बेयर सॉइल ऑन अकाउंट ऑफ वाटर रन ऑफ, गली इरोजन रिमूव न्यूट्रिएंट्स एंड हैवी लोड ऑफ लूज सॉइल। सो क्या होता है बेसिकली, जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होता है तो वहाँ पर जितना भी लूज सॉइल है उसको सब हटा देते हैं वहाँ से ये नदियाँ, ठीक है, रन ऑफ जो होता है, और उसकी वजह से सॉइल मिट्टी जो ऊपर की होती है, टॉप सॉइल प्रोटेक्टिव सॉइल होती है, वो बचती नहीं है, और टोटली सॉइल क्या बन जाती है, अनप्रोडक्टिव, ठीक। और इट मेक्स वेरी मडी, जैसे चंबल, चंबल में रवीन्स देखी जाती हैं, चंबल की रवीन्स बहुत फेमस है, रवीन्स, ठीक है, यही रवीन्स जो है दिस इज अ टाइप ऑफ गली इरोजन, ठीक। वहाँ पर इतने बड़े बड़े, मैं आपको जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो गली टाइप के दिख रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा डीप गली हो जाती हैं चंबल एरिया में कि यहाँ पर आसानी से लोग छुप सकते हैं, ठीक है, और छिप सकते हैं, तो वही जो चंबल के डाकू फेमस थे वो इन्हीं गलियों में छुप करके लोगों को लूटते थे, ठीक। सो ये चंबल रिवर वैली में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये रवीन्स, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ गली इरोजन, गॉट इट। नेक्स्ट इज स्ट्रीम बैंक इरोजन। ये जो होता है ये रिवर्स के बैंक के अक्रॉस होता है, रिवर्स के बैंक के जो साइड में होते हैं, बैंक क्या होता है, रिवर में जो साइड में होते हैं, तो जब रिवर में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो क्या करते हैं, जो उनकी बैंक्स हैं उनको कट कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, ये काफ़ी कटिंग हो रखी है, ठीक। सो दिस इज़ नोन एज स्ट्रीम बैंक इरोजन। जनरली ये कहाँ देखा जाता है, इट इज़ प्रेवेलेंट इन फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा, फ्लैश फ्लड्स में होता है जनरली, यमुना एंड अदर रिवर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम बैंक इरोजन, लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रवीन्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना भी ये जो एकदम यहाँ से सॉइल हट जा रही है, इसकी वजह से गलीज और स्ट्रीम बैंक एकदम इरोड हो जा रही है, इसकी वजह से रवीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये एकदम अनप्रोडक्टिव है, यहाँ पर कोई खेती नहीं हो सकती, बिकॉज जो फर्टाइल सॉइल है वो तो जा चुकी है, गॉट इट। नेक्स्ट इज लीचिंग। ये हम लोग ने पढ़ा था जब लैटराइट सॉइल पढ़ रहे थे, लैटराइट सॉइल क्या, लीचिंग क्या होती है, जब बारिश की वजह से जो टॉप फर्टाइल पार्ट्स हैं मतलब सॉइल के, वो अंदर परकोलेट हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक सॉइल है और यहाँ बारिश हुई और जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो नीचे चले गए, नीचे परकोलेट हो गए और यहाँ पर सेटल हो गए, ऊपर की सॉइल कैसी होगी, इनफर्टाइल, तो इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। सी और शोर इरोजन, ये एक टाइडल वेव्स की वजह से होता है, ठीक है। जब टाइडल वाटर्स होते हैं, जब टाइड्स आते हैं, टाइड्स की वजह से जो कोस्ट की सॉइल होती है उसको काफ़ी डैमेज होता है, ठीक। जो पावरफुल वेव्स होती हैं वो जब क्लिफ्स पे, रॉक्स पे या जो बीच है उस पर स्ट्राइक करती हैं, तो वहाँ पर इतनी पावरफुल होती हैं कि वो सारा इरोजन करती हैं, ठीक है। और पहले तो जब वो स्ट्राइक की, ठीक है, वेव्स का क्या प्रोसेस होता है, पहले वेव आती है, पहले स्ट्राइक करती है, उसके बाद उसका बैकवॉश होता है, ठीक है। तो बैकवॉश में क्या होता है कि जितना भी मतलब जिस जो वेव पहले स्ट्राइक की थी, ठीक है, वो वापस भी चली जाती है, उसको हम लोग बैकवॉश कहते हैं। तो पहले उसने स्ट्राइक किया और फिर उसने जितना भी इरोड किया उसको वापस लेके चलेगी सी में, ठीक है। और इस टाइप का इरोजन हमारा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, बिकॉज वहाँ पर सी कोस्ट है, ठीक। तो ये आपने पढ़ लिया सी शोर इरोजन। तो बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से, ड्रेन ड्रॉप, शीट, रिल, गली एंड स्ट्रीम, वो रिवर बैंक इरोजन। अब
इरोजन ड्यू टू विंड्स, ये तो हो गया वाटर। जब विंड की वजह से लूज सॉइल पार्टिकल्स वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। अब विंड कब कैरी करेगी सॉइल पार्टिकल को, जब वो ड्राई होगा, ठीक है, जब सॉइल एकदम ड्राई होगी और वेजिटेशन नहीं होगा। ठीक, गीली मिट्टी को तो विंड अपने साथ नहीं ले जा सकती है, ठीक। तो ड्राई सॉइल कहाँ पाई जाती है, जनरली डेजर्ट्स में, ठीक। तो विंड इरोजन इज मोर प्रेवलेंट इन डेजर्ट्स, ठीक है। सो जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है और हाई वेलोसिटी विंड्स आ रही हैं और सॉइल ड्राई है, देन वहाँ पर विंड इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक। छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे 0.1 से 0.5 सेंटीमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको बाउंसिंग और हॉपिंग फैशन में वो विंड्स ले जाते हैं, ठीक है। उसको हम, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्टेशन, इज नोन एज सॉल्टेशन। और जो 0.5 मिलीमीटर से बड़े पार्टिकल्स होते हैं विंड के, उनको रोल करके विंड्स अपने साथ ले जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल क्रीप। और जो 0.1 मिलीमीटर से कम पार्टिकल्स होते हैं और जो बहुत फाइनेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो विंड में सस्पेंडेड रहते हैं, जिसको हम लोग सस्पेंशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। इन फैक्ट विंड इरोजन इज मोस्ट विजिबल इन सस्पेंशन स्टेज, ठीक है। जब सस्पेंशन स्टेज होती है, मतलब सारे पार्टिकल्स विंड में सस्पेंडेड रहते हैं, तब सबसे ज़्यादा विंड इरोजन प्रेवलेंट होता है या देखा जाता है, ठीक है। जैसे जब डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक, सो हमें क्या देखते हैं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी होती है, तो वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और विंड उनको कैरी कर सकती है, ठीक है। और जब विंड डस्ट स्टॉर्म ख़त्म होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो फेंस लाइन या रोड्स के अक्रॉस डस्ट जमा होती है, डिपॉजिट होती है, तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स डिपॉजिट नहीं होते, ठीक है। विंड इरोजन रिमूव्स प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सॉइल एज मोस्ट अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अ प्लांट्स कैरीड अवे बाय द विंड। सेम, जो वाटर कर रहा था भाई विंड करेगा, जितना भी मेन यूजेबल या फर्टाइल पार्ट होगा वो ले जाएगा अपने साथ और बच जाए, छोड़ जाएगा जो इनफर्टाइल है। तो हम लोग बात करते हैं सॉइल इरोजन इन इंडिया। इंडिया में सॉइल इरोजन के क्या कॉजेज हैं और रीजन्स कौन कौन से, पहले इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला कॉज है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत कम है, जस्ट 22.4%, ठीक है, बहुत कम फॉरेस्ट इंडिया का, बट पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो कल्टिवेटेड एरिया है उसको हटाया जा रहा है, वहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, ठीक। और इसकी वजह से जब प्लांटेशन हट जाएगा वहाँ से एक एरिया से प्लांट्स हट जाएंगे, एक एरिया से वहाँ पर एग्रीकल्चर हट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर इरोजन ज़्यादा होगा, ठीक। तो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से जो लैंड में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरोजन प्रेविलेंट देखने को मिलता है। सेकेंड है नेचर ऑफ रेनफॉल, ये तो भैया इससे तो ये तो इनएविटेबल है, ठीक। इंडिया में 80 से 90% जो रेनफॉल होती है वो मानसूनस में होती है, ठीक है, और हैवी डाउनपोर होता है, ऐसा नहीं है कि रुक रुक के थोड़ा थोड़ा होती है, ठीक। हैवी डाउनपोर की वजह से जब बारिश बहुत तेज़ होती है, ज़्यादा होती है, तो इरोजन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये तो नेचुरल कॉज है। नेक्स्ट इज ओवर ग्रेजिंग। इंडिया में कैटल रेयरिंग बहुत कॉमन है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में हर घर में कैटल्स होते हैं। तो क्या होता है, अब इन कैटल को क्या करना है, इनको खाना भी तो खिलाना है, तो क्या करते हैं ज़्यादातर गाँव में लोग कि इनको छोड़ देते हैं, कैटल्स को फ्री छोड़ देते हैं, और फिर वो कैटल्स क्या करते हैं, जहाँ घास मिल गया इनको वो खाने लगते हैं, ठीक। और अगर घास खा रहे हैं, पेड़ खा रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ खा रहे हैं, तो वहाँ पर उस एरिया में मतलब एकदम डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन हो जाएगा, और जब वेजिटेशन नहीं है, बारिश होगी, तो फिर वहाँ पर सॉइल इरोजन होगा, ठीक। तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी एरिया में ग्रेजिंग करवाना, ठीक है, बहुत ही हानिकारक हो सकता है, और उससे काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन हो सकती है। नेक्स्ट इज बैड फार्मिंग टेक्निक्स। या बैड फार्मिंग टेक्निक्स तो यूज़ तो होती हैं इंडिया में, ठीक है। अगर हिल्स हैं तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग नहीं हो रही है, ठीक है, वहाँ पर कंटूर कल्टिवेशन नहीं हो रहा है, मैन्यूरिंग इम्प्रॉपर यूज़ हो रहा है मैन्यूर का, ठीक है, फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है, तो इन सब खराब खराब टेक्निक्स को यूज़ करके जब फार्मिंग होती है, तो उससे भी सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं हिमालयाज़ की बात करें या शिवालिक्स की बात करें, यहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा क्यों होता है, पहली बात तो स्लोप हिली है, स्लोप स्टीप है, और बारिश खूब होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जितनी मिट्टी है वो सब यहाँ से इरोड हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया हैवी पॉपुलेशन प्रेशर पे, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करना है लोगों को कि सारे पेड़ काटो, और उसकी जब पेड़ कट जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, बिकॉज पेड़ क्या करते हैं, पेड़
रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को एकदम अपने साथ बांध के रखती हैं। ठीक, अब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या सॉइल इरोजन? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब कौन कौन से रीजन्स में सॉइल इरोजन प्रेविलेंट है जनरली इंडिया में? तो पहला है बैडलैंड्स ऑफ चंबल एंड यमुना रिवर्स, हम लोगों ने बताया। ठीक है, यहाँ पर ये यमुना रिवर है हमारी, ये इधर से यमुना रिवर जाती है और यहाँ पर ऐसे ही चंबल रिवर जाती है, इधर से थोड़ा गलत बन गया ऐसे। ठीक, अब ये जितना भी ये वाला एरिया है बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला एरिया, इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, जैसे हम लोगों ने बताया रवीन्स वाला पोर्शन, बैडलैंड टोपोग्राफी जिसे बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गली इरोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पीडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। अब वेस्टर्न हिमालयाज का पीडमोंट जोन क्या होता है? ये हमारा वेस्टर्न हिमालयाज है, स्पेशली ये वाला पोर्शन। पीडमोंट जोन वो होता है, ये जो ऐसा जोन जहाँ पर माउंटेन्स प्लेन से मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये है पहाड़, ठीक, और ये प्लेन है। ठीक, तो ये वाला जोन जो होगा ये होगा पीडमोंट जोन। ठीक है, जहाँ पर पहाड़ और प्लेन्स मिलते हैं। ठीक, अब इस जोन में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, प्लस स्लोप भी स्टीप है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरोजन देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है, यहाँ पर भी क्या है रिवर्स, कोसी रिवर जो कि बहुत ही फ्लडिंग रिवर है, दामोदर रिवर है यहाँ पर, और बहुत सारी और फ्लडिंग रिवर है, साथ ही साथ बारिश भी खूब होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ताप्ती साबरमती वैली ऑफ रीजन ऑफ गुजरात, यहाँ पर रिवर तापी है और यहाँ पर रिवर साबरमती है। ठीक है, सो ये वाला जो पूरा एरिया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इरोजन देखने को मिलता है, बिकॉज रेनफॉल ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर रिवर्स है। रेगर सॉइल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा। ठीक, ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान बिकॉज यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर विंड इरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। अब सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट करना है? देखिए क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, जनरली या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि गिव टू मेथड्स या गिव थ्री मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि गिव टू मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन इन माउंटेनियस एरिया, या टू मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन इन डेजर्ट एरिया या एरिड एरियाज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सो पहला है टेरेस फार्मिंग, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि जब पहाड़ों पे क्या होता है बंड्स बना दिए जाते हैं या टेरेसेस बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक पहाड़ है, यहाँ पर खेती की जाए। अब अगर पहाड़ क्या है, ऐसे हम लोगों ने ऐसे ऐसे स्टेप्स बना दिए। ठीक, अब स्टेप्स बनाने की वजह से क्या होगा कि अगर पानी बहेगा तो धीरे धीरे बहेगा, और जितना पानी बहेगा वो सब एब्जॉर्ब होगा और सॉइल भी एब्जॉर्ब होती रहेगी। ठीक है, सो सॉइल वॉश नहीं होगी उस पूरे पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, सो टेरेस फार्मिंग जनरली जापान, साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए, इन सब एरियाज में यूज़ किया जाता, और इस वजह से ही इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में, और इंडिया में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग यूज़ करते हैं। ठीक, सो बेसिकली अगर ये आए गिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन इन हिल एरियाज, तो आप टेरेस फार्मिंग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शेल्टर वेल्स। शेल्टर वेल्स में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हम लोग सेवरल रोज ऑफ प्लांट्स लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स की रोज होती हैं विंड ब्रेक का काम करती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक खेत है कोई, और ये एक मान लिया हम लोग ने एक ये फील्ड है। ठीक है, अब इस फील्ड में हम लोग ने यहाँ पर एक रो ऑफ प्लांट हाई ट्रीज लगा दिए, इधर लगा दिए और इधर लगा दिए, मतलब चारों तरफ रोज लगा दिए, और बीच में अपने एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो विंड आएगी तो ये जो प्लांट्स, ये जो ट्रीज होंगे, ये ट्रीज इन विंड्स के लिए बैरियर का काम करेंगे, विंड ब्रेक्स का काम करेंगे, और इनकी स्पीड कम कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल है उसमें विंड इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट इज यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ विंड इरोजन। गॉट इट, विंड इरोजन। नेक्स्ट इज कंटूर प्लाइंग। कंटूर प्लाइंग बेसिकली क्या होता है, कंटूर्स क्या होते हैं, कंटूर्स वो लाइंस होती हैं जो कि जैसे मान लीजिए सेम हाइट को ज्वाइन करने वाली लाइंस को हम लोग कंटूर लाइंस बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 200 हाइट है एक एरिया की, यहाँ पर 200 है और यहाँ पर 200 है और यहाँ पर 200 है। अब इसको हम लोगों क्या किया, एक ही लाइन से ड्रॉ कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया 200 का कंटूर। ठीक है, तो अब पहाड़ का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें तो ये पहाड़ का एक कंटूर होगा, ये पहाड़ का एक कंटूर होगा, ये पहाड़ का एक कंटूर होगा और ये एक कंटूर होगा, मतलब और भी हो सकते हैं, ये हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बताया। मान लीजिए ये 800 मीटर का कंटूर है, ये 700 मीटर का है,
600 मीटर का है, 500 मीटर का है, ठीक। सो इन कंटूर्स के अलॉन्ग जब हम लोग फार्मिंग करते हैं उसको हम लोग कंटूर प्लोइंग या कंटूर फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग और कंटूर प्लोइंग में क्या डिफरेंस होता है कि टेरेस फार्मिंग में हम लोग जो लैंड उसको ऑल्टर करते हैं, हम लोग लैंड का जो ओरिएंटेशन है वहाँ पर स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट कंटूर प्लोइंग में हम लोग स्टेप लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, हम लोग यहाँ पर जो लैंड का ओरिएंटेशन है उसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं करते, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है टेरेस फार्मिंग और कंटूर प्लोइंग में। जब हम लोग कंटूर के अलॉन्ग प्लांट्स लगाएंगे तो ये बंड्स की तरह काम करेंगे, जैसे हम लोग ने यहाँ पर देखा था शेल्टर बेल्ट्स में, तो बंड्स की तरह काम करेंगे, तो जितना ही पानी होगा उसको रोकेंगे ये आगे जाने से, या मिट्टी को आगे जाने से रोकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ विंड्स। ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में हम लोग क्रॉप्स को लगाते हैं ताकि विंड मतलब इम्पैक्ट ज़्यादा इसमें विंड ना आए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ये भी विंड इरोजन के लिए, ठीक। सो अगर हम लोग बात करें हिली एरियाज में दो मेथड्स, तो पहला है टेरेस फार्मिंग और दूसरा है कंट्रोल प्लानिंग, और अगर बात करें एरिड एरियाज या डेजर्ट एरिया में दो मेथड्स, तो शेल्टर बेल्ट एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, गॉट इट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। रिवर्स कॉज सॉइल इरोजन। डैम्स आर बिल्ड इन अपर कोर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑफ सॉइल। सिंपल है, डैम्स का कंस्ट्रक्शन करने से रिवर्स के पानी को सीमित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी कम आता है और इरोजन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लगिंग गलीज, ठीक है। गलीज मेड इन सॉइल आर प्लग विद डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ड्यूरिंग हैवी रेन्स। सो प्लगिंग मतलब क्या होता है, रोक देना, ठीक है। तो गली जो बनती है उनको ब्लॉक कर देना, जिसकी वजह से आगे फर्दर इरोजन हो ही ना, ठीक है। तो ये भी वाटर इरोजन को चेक करने के लिए बनाया गया है, तो प्लगिंग गलीज एक मेथड है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है। ट्रीज़ को प्लांट करिए स्टीप स्लोप पे, वेस्ट लैंड पे, तो जितना मतलब जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हाई होगी उस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। तो प्लांटिंग ट्रीज इज द अल्टीमेट मेथड, या एफॉरेस्टेशन इज द अल्टीमेट मेथड फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन, गॉट इट। तो ये कुछ मेथड्स है सॉइल इरोजन के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब सॉइल इरोजन हो गया, बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। सॉइल कंजर्वेशन करना क्यों है, ठीक है। सो बिकॉज जो सॉइल इरोजन होता है उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, जिसमें मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक। और उसकी वजह से लॉस फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, वाटर ग्राउंड टेबल भी कम हो जाता है, ठीक है, जब ऊपर की मेन सॉइल नहीं होगी, ठीक है, और वाटर परकोलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से वाटर ग्राउंड टेबल कम हो जाएगा और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट भी डिक्रीज कर जाएगा। ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन एक्सटेंशन ऑफ एरिड लैंड्स। वेजिटेशन जो होता है वो सूख जाता है, ठीक है, और एरिडिटी मतलब जो डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। फ्लड्स और ड्रॉट्स की इनफ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सिल्टिंग ऑफ रिवर एंड कैनाल बेड्स, रिकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी को हिंडर करता है सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल का वेस्टेज, डेजर्टिफिकेशन। साथ ही साथ सिल्टिंग ऑफ रिवर मतलब जब सॉइल इरोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिवर अपना कोर्स चेंज करती है, जैसे कोसी रिवर है, सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं जिसको, और इतना ज़्यादा रिवर्स चेंज, इतना ज़्यादा वो अपना कोर्स चेंज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर साल फ्लड्स आते हैं वहाँ पर। ब्रह्मपुत्रा पे देख लीजिए, ठीक है। सो फ्लड्स आते हैं या कोई भी कैटास्ट्रॉफी होती है, उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हिंडर हो जाता है, ठीक है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है स्कीम्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। पहला है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, कब लॉन्च की गई थी, सिक्स प्लान में, ठीक। कौन कौन से एरियाज कवर्ड थे, 8 फ्लड प्रोन रिवर्स ऑफ गैंगेटिक बेसिन कवरिंग 7 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। क्या पर्पज़ था इस प्लान का, इस मैनेजमेंट का, इस स्कीम का, कि एनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ कैचमेंट बाय एब्जॉर्बिंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर, ठीक है। जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना, इरोजन को रिड्यूस करना, ठीक। और जो सिल्ट लोड है, ठीक है, जब इरोजन कम होगा तो सिल्ट लोड कंटेंट भी कम होगा, ठीक है। जब सिल्ट लोड कंटेंट कम होगा तो फ्लड्स भी कम आएंगी, ठीक है। सो इतनी प्रोडक्टिव प्लेन्स पे फ्लड्स का कम करना, ठीक है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, इरोजन रिड्यूस करना, ये इसका मेन एम था ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रवीन एरिया स्पेशली फॉर चंबल रिवर बेसिन। 1987-1988 में लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश स्टेट के लिए बेसिकली, और रवीन्स को वहाँ पर बंद करना, ठीक है, हॉल्ट करना, मतलब उनको ब्लॉक करना, ताकि वहाँ पर आगे फर्दर
फॉर्मेशन हो ना हो रवीन्स का। एफॉरेस्टेशन फॉर रवीन्स फॉर फ्यूल फॉर्डर एंड रिकमेशन ऑफ शाले रवीन्स, नॉट इट। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। सिंस 1994 एंड 1995 जनरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में शिफ्टिंग कल्टिवेशन बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, जनरली जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को रोकने के लिए क्या क्यों रोका जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, बिकॉज शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता क्या है, जिसको झूमिंग कल्टिवेशन ही बोला जाता है, झूम, ठीक है, या स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न ये नाम है इन सब कल्टिवेशन के। तो ये क्या होता है बेसिकली कि लोग क्या करते हैं, ट्राइबल पीपल क्या करते हैं या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं कि बेसिकली एक लैंड पे उन्होंने कल्टिवेशन किया, काफ़ी सालों तक कल्टिवेशन किया, फिर क्या किया उस एरिया को छोड़ दिया, जला दिया और दूसरे लैंड पे चले गए, ठीक, और उस लैंड पे और फिर वही काम उस लैंड पे किया, फिर अगले लैंड पे चले गए, ठीक। सो ये काम करते हैं कौन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन में या झूमिंग कल्टिवेशन में, जनरली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। अब क्या पर्पज़ था इसका, इट इन्वेस्टिगेट्स सेटलिंग ऑफ फैमिलीज प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। जो फैमिली शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रही थी उनको एक जगह सेटल कर दिया गया कि आप यहीं रहेंगे, ठीक है, ताकि आप शिफ्टिंग कल्टिवेशन ना प्रैक्टिस कर सकें। उनको टेरेस कल्टिवेशन, हॉर्टिकल्चर मतलब फल फूल फूल और सब्जियों का कल्टिवेशन को लिए मतलब रेस किया गया, एफॉरेस्टेशन कराया गया उनसे, सपोर्ट एनिमल हस्बेंड्री टू मीट फ्यूल एंड फॉडर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो उनका शिफ्टिंग कल्टिवेशन के प्रोसेस को हॉल्ट करके उनको टेरेस कल्टिवेशन, हॉर्टिकल्चर, एफॉरेस्टेशन, एनिमल हस्बेंड्री इन सब प्रोसेस से रूबरू कराया गया और उनसे बोला गया कि आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्कीम है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड नेशनल प्रोजेक्ट ऑन क्वालिटी कंट्रोल। 7th 5-year plan में लॉन्च किया गया था पूरे इंडिया भर में। क्या काम था इसका, इट एनकरेजेस द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एज वेल एज बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स को मैनेज करना। देखा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब हरियाणा वाले एरिया में इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया गया कि सॉइल इनफर्टाइल हो गई, ठीक है, सॉइल स्टेराइल हो गई थी। सो वाइज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करने के मोटिव से ये स्कीम लाई गई थी। लास्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जनरली अर्बन एरियाज में प्रैक्टिस करने के लिए मांग की गई थी, जिसकी वजह से चेकिंग सॉइल एरोजन, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, ये सब कुछ थे पर्पस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। सो बेसिकली इस पूरे पोर्शन में उन्होंने देखा सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल एरोजन के बारे में, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा सारा कुछ, गॉट इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके बेस्ड क्वेश्चन, गिव रीजंस वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और फिर देखेंगे फर्दर क्वेश्चन जो आएंगे आते, ठीक है। सो अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।